जय हिंद दोस्तों। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये है मेरा कौन सा ब्लॉग है भाई। अबे जल चिमाइला, अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। दो कोई सभी, तो कैसे आप सब। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो भाई अभी सुबह सुबह उठा और भाई मौसम क्या ही मस्त हो रहा है भाई, मौसम आज इतना सुहाना है। 20 minutes later, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा गाइस, तुम लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो भाई। तक कुल 50 सब्सक्राइबर बने कंप्लीट हुए हैं बताओ, जबकि कम से कम 200-250 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए थे। मैं वीडियो में बोलता नहीं हूँ तो आप लोग करते भी नहीं हो। आज मैं पूरा सीरियस इस टॉपिक पर ही बात करने वाला हूँ। देखो अभी तक मैंने 20 से 21 वीडियो अपलोड कर दिया है और उन वीडियो में कुल 50 सब्सक्राइबर हुए हैं। क्या यार गाइस, सपोर्ट ही नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ूँगा। तो भाई जो भी बंदा आज नया जुड़ा है, बहुत दिनों से मेरा ब्लॉग देख रहा है, प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दो। आपके सब्सक्राइब करने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और भी मस्त ब्लॉग बनाऊँगा, समझो ना। बने रहिए ब्लॉग में। और अभी सुबह सुबह उठा था ना, इतना थोड़ा घूमने टहलने आता हूँ, जैसे तुम्हें पता ही, रोज सुबह टहलने जाता हूँ। तो बस मौसम देखो आज का कैसा हो रहा है, भाई साहब बारिश वाला, और आज बारिश आएगा। तो चलो बने रहिए ब्लॉग में, मैं जाता हूँ घर, थोड़ा फ्रेश होते हैं, ब्रश कर लिया, मुँह धोते हैं, फिर घर का कुछ काम है वो भी करेंगे, और आज स्कूल भी जाना है। तो मिलता हूँ, ब्लॉग को हम करते हैं कंटिन्यू। आप लोगों में से ना 90% लोग जिनने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया भाई, ना मत करो तुम, क्यों कर रहे हो भाई, मत करो, जलती है तुम्हारी। क्या बोला साले का, खोपड़ी तोड़ साले। बस 10% लोग जिनने सब्सक्राइब करा है, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया जिनने सब्सक्राइब किया, और जिनने नहीं किया उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। और गाइस कर दो यार, क्या जाएगा सब्सक्राइब करने में, और अपने दोस्तों से भी करवाओ यार। अभी बताओ कुल 50 हुए भाई, जबकि अभी तक 200-300 सब्सक्राइबर हो जाना चाहिए। लग रहा है कोई आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दो। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में, चलते हैं। ये देखो इस महाराज को कोई काम धंधा नहीं है, बार बार आके देखो रेते के ऊपर बैठते, पूरा रेता खराब करा है इसने, करा ये रेता खराब, भोला बन के कैसे खराब है चोर की शक्ल का। दो ये वीडियो पुलिस को बोल, पूरा रेता खराब कर दिया इसने। देखो रेते की वट लगाने वाला कुत्ता, ये डड्डू मेढक मर गया। ये देखो गाइस मेढक डिग्गी में कूद के आत्महत्या कर लिया गाइस। तो गाइस घर में काम चल रहा है और बहुत दिनों से ये पेंडिंग पड़ा है, तो मैं सोच रहा हूँ आज इसको पूरा कर ही देता हूँ। देखो लग रहा ना चूहू जैसा, इसमें तो हो गया पर इसमें पानी भर गया, अभी ये वाला बचा है, इसको खोदना है, इसको फटाफट खोदते हैं, फिर और भी काम है वो करेंगे। तो बने रहो ब्लॉग में जब तक के लिए। तो जितनी मिट्टी मैंने खोली थी निकाल दी,
अब ये खोदेगा और ये निकालेगा। आप देख रहे हो कैसा हो गया गर्मी में, पसीना पसीना। कोई नहीं, इतना कुछ सह लेंगे। तो यार गाइस ये खोद रहा है, ये काम निपटाने के बाद मुझे स्कूल जाना है, स्कूल का कल वाला काम पूरा नहीं हुआ था, दोबारा करना पड़ेगा। तो बने रहो ब्लॉग में, ये काम निपटाने के बाद नहा धो के फिर स्कूल के निकलते हैं। तो बने रहो तब ब्लॉग में। ऑल राइट गाइस, जितना खोदना था खोद दिया और अभी मेरा स्कूल जाने का टाइम भी हो गया, तो मैं फटाफट नहा धो लेता हूँ, तैयार होके फिर स्कूल निकलता हूँ। तब तक लिए तुम लोग ब्लॉग में बने रहोगे। तो गाइस नहा धो लिया, एकदम फ्रेश हो गया और ब्रेकफास्ट भी कर लिया, बस जूते रह गए पहनने के लिए, इनको पहन के फटाफट मिलते हैं। तो गाइस देखा मेरा जूता पहनने का स्टाइल, तो चलते हैं आज, देखते हैं क्या होता है। अपना काम होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, पर आज का ब्लॉग एकदम मस्त बनाना है और आज हमारे 50 सब्सक्राइबर पूरे हो गए चैनल पे, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो बने रहिए ब्लॉग में, मिलता हूँ फिर और किसी ब्लॉग में। गाइस अभी थोड़ी देर पहले मौसम ऐसा हुआ था कि बारिश होगी और अब इतनी तेज धूप पड़ रही है भाई साहब, क्या ही बोलूँ, गर्मी लग रही है बहुत। आज पैर पैर जाना पड़ेगा, बाइक है नहीं हमारे पास, तो लोग देख रहे हैं इधर से उधर से, कोई बात नहीं, देखने तो अपना क्या जाता है। तो आज पैर पैर ले जाना पड़ेगा, बाइक लेके नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फ्यूल लाने के पैसे नहीं है मेरे पास। तो बने रहिए ब्लॉग में, मिलता हूँ सीधे स्कूल पहुँच के, या फिर बीच में कोई मिल गया लिफ्ट देने वाला तो उसके साथ चले जाऊँगा। बने रहिए। तो फाइनली गाइस मार्केट में पहुँच गया, रास्ते में सर मिल गए थे, उनसे लिफ्ट ले लिया, बहुत अच्छा लगा, सर से बातें भी की। और चलो बने रहो, कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। तो गाइस पूरा मार्केट खाली हो रहा है। तो गाइस टाइम से पहले ही पहुंच गया, अभी बैंक खुला भी नहीं, उससे पहले ही पहुंच गया, सर मिले थे उनके वजह से जल्दी पहुंच गया। तो बाइक में बाल भी कैसे हो गए पता नहीं, उड़ जैसा गए। तो बने रहो ब्लॉग में। तो गाइस एक दो घंटे बाद बैंक खुलेगा, प्राइमरी स्कूल के सर मिल गए थे मुझे, घर के पास से ही मिल गए थे, तो उनके साथ आया तो जल्दी पहुँच गया। घंटे बाद खुलेगा सर, ऐसा कि डेढ़ घंटे से ही इंतज़ार कर रहा हूँ कब 10 बजे का। ओके यार गाइस फाइनली कालाडू में गया था, वहाँ बैंक में जो काम था वो हो गया है, अब घर को आ रहा हूँ, गाँव की रोड में ही हूँ, पैदल पैदल जा रहा हूँ। तो बाकी तुमको घर जा कर मिलता हूँ और बाकी हम लोग शाम को बनाऊँगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो, कैसे है तो सुबह ही पूछ लिया था। तो मैं कालाडूंगी से घर आ चुका हूँ, जो काम करने गया था वो काम हो गया है। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके बताना और शेयर कर देना, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना।